सन 2002 में स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म कैच मी इफ यू कैन रिलीज हुई, जिसमें मरकजी किरदार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अदा किया। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की थी जो महज अपने चार्म और अपने अल्फाज के इस्तेमाल से अमेरिकन एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स और बैंक्स को अपने चंगुल में फंसाता था। South America, Australia, Singapore. These are so perfect, the bankers even know the difference. What do you want? To apologize. You didn't call to apologize, did you? You have no one else to call. और millions of dollars के scams के लिए जिम्मेदार था। जब मैंने 14-15 साल की उम्र में ये फिल्म देखी तो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि किस तरह एक शख्स एक पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना सकता है। और मेरे ताज्जुब में कई गुना इजाफा हुआ जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि ये फिल्म एक हकीकी किरदार फ्रैंक एबिग्नेल जूनियर की कहानी पर मबनी थी। To imagine that something like that could happen in real life was just astonishing. और मेरी हैरत में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहा जब मुझे द कॉन मैन ऑफ इंडिया नटवर लाल की कहानी का पता चला। द मैन हु सोल्ड द ताजमहल नॉट वंस बट थ्री टाइम्स। आई एम अब्दुल अहद एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। नटवर लाल की विलादत 1912 में बिहार के एक गांव भागड़ा में एक रेलवे मुलाजिम के घर हुई। हिज फादर वॉज एन ऑनेस्ट वर्किंग मैन जो कि अपनी सारी कमाई अपने दो बेटों की परवरिश में सर्व कर देते थे, अ टिपिकल वर्किंग क्लास मैन। और अपने लड़कपन में ही नटवर लाल ने फोर्जरी का और फ्रॉड का सिलसिला शुरू कर दिया जब इन्होंने अपने एक हमसाए के बैंक अकाउंट से 1000 रुपये विड्रॉ किए। नटवर लाल लोगों के दस्तखत कॉपी करने में बहुत महारत रखता था और यूं आगाज हुआ उस कॉनमैन के करियर का जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। अजीमुशान ताजमहल, जिसे दुनिया के 7 अजायबात में से एक के तौर पर जाना जाता है, वो अजूबा जो शानो शौकत और एक वसी मुगलिया तारीख की यादगार है, दुनिया भर के लोग सिर्फ इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए दुनिया के डिफरेंट कोनों से हिंदुस्तान का दौरा करने आते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस को माने तो ताजमहल की इस वक्त एक एस्टिमेटेड कीमत तकरीबन 200 अरब पाकिस्तानी रुपयों के करीब है। लेकिन ताजमहल जैसे एक अजीमुशान मॉन्यूमेंट की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और जहां हम लोग इसकी कीमत भी तसव्वुर नहीं कर सकते, जनाब नटवर लाल साहब ने एक बार नहीं बल्कि लाइक आई सेड 3 बार इस ताजमहल को बेच डाला। सिर्फ यही नहीं, नटवर लाल पर लाल किला, भारतीय पीएम हाउस और पार्लियामेंट बेचने का भी इल्जाम। अब ऑफ कोर्स नटवर लाल ने भारतीय रियासत के इन असासों को बेचा नहीं, ये अभी भी भारतीय रियासत की मलकियत में है, लेकिन किसी ना किसी बदनसीब ने नटवर लाल से ये तमाम इमारात खरीदी जरूर थी। लड़कपन में नटवर लाल के पड़ोसी ने इसे बैंक से कुछ पैसे निकलवाने के लिए भेजा और नटवर लाल इसके दस्तखत की नकल करने में कामयाब हो गया और अपने पड़ोसी के बैंक से 1000 रुपये, जो कि याद रखा जाए उस दौर में एक बड़ी रकम थी, 1000 रुपये निकलवाने में कामयाब हो गया। नटवर लाल को इस वक्त अपने मकारी और चोरी चकारी के टैलेंट्स का बखूबी अंदाजा हो गया और 1000 रुपये का नोट लिए नटवर लाल बिहार के अपने गांव से फरार होकर कोलकाता की तरफ भाग गया, जहां इसने पार्ट टाइम स्टॉक डीलर के तौर पर काम करते हुए कॉमर्स में बैचलर्स की तालिब इल्मी में दाखिला लिया। नटवर लाल ईमानदारी की रोजी कमाने के लिए कपड़े का कारोबार शुरू करने की भी इसने एक नाकाम कोशिश की, लेकिन नटवर लाल को समझ आ गया था कि ईमानदारी की दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं थी। फिर छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों से नटवर लाल के क्रिमिनल करियर का आगाज हुआ। सन 1937 में पहली बार 9 टन लोहा चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद अपनी स्ट्रैटजी को नटवर लाल ने थोड़ा सा बदला। पुलिस ने इतला दी कि वो अक्सर तवाइफों के पास जाता, इन्हें जहर आलू शराब पेश करता, उनके जेवरात और नकदी चोरी करता और फिर फरार हो जाता। हवालात की हवा खाने के बाद नटवर लाल चोरी डकैती को छोड़कर वापस फ्रॉड फोर्जरी के अपने तौर तरीकों पर लौट आया।
इसने लोगों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसा कि 1950 की दहाई में जब इसने ट्रेन के सामान और चावल की थैलों पर मुश्तमिल एक कंसाइनमेंट की स्कीम के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 6.5 लाख रुपए का चूना लगाया। नटवरलाल दिमाग का तेज, जुबान का मीठा और मारूफ लोगों के दस्तखत कॉपी करने का माहिर था। नटवरलाल पर इल्जाम है कि इसने 50 से ज्यादा लोगों की शनाख्त अपनाकर सैकड़ों दुकानों के मालिकान, सोनारों, बैंकरों से, खास तौर पर गैर मुल्कियों से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। इस पर इल्जाम है कि इसने कई सनअतकारों से काफी मकदार में पैसा बटोरा, बशमूल टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी के। एक कहानी के मुताबिक नटवरलाल ने पार्लियामेंट हाउस को गैर मुल्की खरीदार को फरोख्त करने में अराकीने पार्लियामेंट को भी शामिल कर लिया था, और आहिस्ता आहिस्ता नटवरलाल अपनी डकैतियों, अपनी चोरियों, मकारियों की कहानियों की वजह से शोहरत पाने लगा। इसके गांव भागड़ा के एक मुकामी शख्स ने बताया कि नटवरलाल जब भी अपने गाँव लौटता था तो एक मजमा इससे मिलने को इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि नटवरलाल के जरायम सिर्फ अमीर और ताकतवर तबके के खिलाफ थे, तो नटवरलाल अपने इलाके के लोगों के लिए एक रॉबिन हुड नुमा किरदार बन गया था। लेजेंड के मुताबिक ये अपनी कमाई गरीबों में बांट देता था, कमाई से मेरा मतलब है लूट, ये अपनी लूट गरीबों में बांट देता था और इसके इलाके के लोग इसे एक मसीहा के तौर पर देखते थे जो ताकतवरों से दौलत लेकर गरीबों में बांटता था। एक कहानी के मुताबिक नटवरलाल ने अपनी लूट की कमाई से अपने गांव में एक मेला मुनक्कद किया और इस कमाई से गांव के हर शख्स को 1940 की दहाई में लगभग 100-100 रुपए दिए। बट डज दैट मेक हिम अ हीरो? द क्वेश्चन इज अप टू यू। मुतअद्दिद बार जेल जाने वाला और जेल से भागने वाला ये शख्स, जो कि फ्रॉड और धोखाधही का बेताज बादशाह था, इस पर फिल्में बनी। हत्ता के बॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन ने 1970 की दहाई में अपने करियर के प्राइम में, व्हेन ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार, नटवरलाल को एक फिल्म में प्ले किया। आज तक भारत में कोई शख्स फ्रॉड करता है या कोई धोखाधही करता है तो इसे नटवरलाल कहा जाता है। लफ्ज नटवरलाल धोखाधही के मुतरादिफ हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का एक गांव इसे एक मसीहा के तौर पर जानता है और कई लोग इसे एक एंटी हीरो, एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो तसव्वुर करते हैं। अब नटवरलाल महज एक मकार चोर या फिर एक हीरो, एक मसीहा या फिर एक ऐसा किरदार जो ना मसीहा है और ना ही विलन? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट्स।